हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रश्मि कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो ये देखिए ये सुबह का टाइम है और देखिए कितना घर अव्यवस्थित है एकदम फैला हुआ है चूँकि आप कितना भी करिए ऐसा हो ही जाता है ये निकल गए थे उसके बाद मैं बोली पहले आप लोगों को दिखा दूँ कि देखिए सुबह स्थिति ये रहती है डेली का है ये देखिए दूसरा वाला ड्राॅइंग रूम है और बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित है तो उसके जब ही निकल गए तो फिर मैं बोली पहले चाय बना के पीऊँ चाय पीने से थोड़ा देखिए ठंड में है कि चाय पीने से गर्माहट आती है बट गर्मी है फिर भी चाय से एनर्जी मिलती है अब ये कितना सारा काम करना है तो पहले चाय बना के पीते हैं तो बस मैं वही चाय चढ़ा दी ये देखिए मेरी चाय बन रही है और अब मैं चाय निकाल ली हूँ एक एक मेरा कप है और एक जुकाम वाली आती है उस, उसका कप है तो वही चाय निकाल के अब मैं चाय वह पी लूँगी चाय पीने के बाद फिर मैं पूरी सफाई करी देखी अभी किचन मेरी साफ़ है अब ये देखिए जो भी जरूरी बर्तन धोना था और इसमें थोड़ी सी चाय भी रखी हुई है किचन विचन सब साफ़ है और ये बादाम है कुछ तो मेरी बेटी इसको भिगा के रखती है तो ये बादाम है और इसमें आटा रखा हुआ है क्योंकि मैं एक साथ पूरी रोटी नहीं बनाती उनको बना के दे दी हूँ अभी आटा रखा है तो अब मैं बनाऊँगी गरम गरम रोटी रोटी पराठा जिसको जो भी खाना होगा तो इस तरह से ये देखिए किचन में पूरा क्लीन कर ली हूँ और फिर ये ये वाला रूम है जो हॉल है ये भी देखिए मैं एकदम क्लीन कर ली हूँ बहुत टाइम लगा है उसके पूरा अब साफ सफाई क्या दिखाएं मैं जब पूरा क्लीन हो जाएगा उसके बाद मैं दिखाती हूँ और फिर ये मेरा एक दूसरा ड्राॅइंग रूम है जहाँ पे ये मेन ड्राइंग रूम है तो ये देखिए ये भी मेरा एकदम साफ हो गया है नीट एंड क्लीन मतलब पूरा मेरे दोनों रूम जो मेन जो यही दो रूम फैलते हैं तो वो सब मेरे एकदम साफ हो गए हैं ये देखिए बहुत टाइम लगा है पूरा आप तो देखे है ना कि पहले कितना फैला हुआ था पूरे सोफे सोफे में पूरे कपड़े रखे हुए थे ये बेड वगैरह एकदम और उसके बाद ये जो कपड़े मैं आपको दिखाई थी ना कपड़े मेरे धुल चुके थे तो उसके बाद मैं कपड़े भी जाके फैला दी हूँ ताकि कपड़े वगैरह जब सब फैल जाएंगे तो टाइम से सूख जाएंगे और उसके बाद फिर मैं आगे का, का काम करूँगी मतलब ये मॉर्निंग का डेली का ही रूटीन है ये है ना इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कपड़े धोना है साफ सफाई करना है है ना नाश्ता खाना बनाना उसके बाद फिर मैं आई हूँ नहा धो के आ गई हूँ फिर मैं ये आज बना रही हूँ भरवे भटे की सब्जी भरवे बैंगन की तो उसमें मैं प्याज और हरी मिर्च इसको काट के और मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी वैसे इसको कई लोग क्या करते हैं कि इसको पेस्ट बना के फ्राई भी करते हैं कई लोग फ्राई करके फिर पेस्ट बनाते हैं सबका अलग अलग तरीका है लेकिन मैं तो ये देखिए उसका पेस्ट बना ली इसमें सिर्फ थोड़ी सी अदरक भी है अदरक आपको दिखा नहीं पाई अदरक है और हरे मिर्च है प्याज है बस ये अभी गर्मी है इसलिए लहसुन नहीं डाली हूँ मैं और इसमें फिर डाल दिए धनिया पाउडर और इसमें मतलब बेसिक जो मसाले हैं वो डालेंगे जैसे धनिया पाउडर डाल दिए हैं और हल्दी डालेंगे ये हल्दी डाल दी हूँ और हल्दी के बाद फिर डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर वो भी हम लोग तीखी वाली लाल मिर्च यूज़ नहीं करते हैं तो आप लोग को मालूम है सिर्फ मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो सिर्फ कलर की होती है उसको डालूँगी वो यूज़ करती हूँ मैं और दूसरी लाल मिर्च यूज़ नहीं करती और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला है ना ये सब पूरे मसाले डल गए हैं और हाँ इसमें खट्टेपन के लिए मैं अमचूर डाल दी हूँ है ना शायद मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ और फिर ये नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट किसी को कम पसंद है किसी को ज़्यादा पसंद है तो वैसे नमक भी डाल दी हूँ और, हम, और इसके बाद फिर हम अमचूर भी डालिए और इसके बाद फिर हम ये सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से और पूरा एक साल होना चाहिए ताकि देखिए इसका कलर ही चेंज हो जाएगा मसाले का ये पूरा मिक्स कर लिया और दूसरी तरफ में जो भटे हैं छोटे छोटे भटे जो भरवा बैंगन बैगन जो भरवा के लिए आए हैं उनको मैं अच्छे से धो के और ये टोकनी में जाली वाले में रख देती ताकि उसका पानी निकल जाए और अब इसको मैं काटूंगी तो इसके मैं क्या टू पूरे पार्ट नहीं करूँगी बीस से थोड़ा सा टू टू पार्ट ही करूँगी लेकिन बीस से अलग नहीं करूँगी बीस से वो जुड़ा ही रहेगा ताकि हम इसमें मसाला अच्छे से फिल कर सकें अच्छे से मसाला उसमें भर सकें तो ये देखिए पूरे बैगन को मैं कट कर ली हूँ और उसके बाद ये चम्मच की सहायता से ये इस तरह से इसमें अच्छे से जैसे आपको भरना है मतलब अच्छे से उसको आप भरिए और एक्स्ट्रा जो रहेगा तो उसको इस तरह से निकाल दीजिए है ना तो इसी तरह से मैं ये देखिए इस तरह से अपना अंदर डाल पूरा चम्मच से चला जाएगा और फिर हल्का सा प्रेस करना ज्यादा नहीं दबाना क्योंकि ज्यादा दबाएंगे तो और ज्यादा निकल जाएगा तो बस इस तरह से इसको आ, मसाले को फिल करके पूरे मैं बैंगन में भर दी हूं मसाले है ना ये देखिए इस तरह से पूरे बैंगन मेरे तैयार हो गए हैं बी से वही कट करके और मसाला भर के अब इसके आधे इसको बारी है अब हमारा अगला अगला प्रोसेस है कि अब इसको हमको फ्राई करना है तो गैस जला के उसमें कढ़ाई चढ़ा दी हूँ ये देखिए और इसमें फिर तेल हाँ इसमें थोड़ा सा तेल तो हल्का सा तेल अब देखिए कोई से भी आप मसाले वाली सब्ज़ी बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको तेल ज़्यादा लगे और ये क्या डेली वाली सब्जी नहीं है जब तेल अच्छे से हो गया तो उसमें मैं राई जीरा और चूँकि बहटा बैगन है इसलिए मेथी राई जीरा मेथी और थोड़ी सी हींग भी डाली हूँ वो दिखा नहीं पाई हूँ तो इतनी चीज़ें डाल के जब वो अच्छे से तड़क गई हैं उसके बाद फिर इसमें भट्टे भट्टी जो तो बैंगन है उनको इस तरह से रख दूँगी पूरे बैंगन को और अभी थोड़ी देर तक हमको बैंगन को बिल्कुल हिलाना नहीं है ताकि वो थोड़ा सा नहीं तो फिर पूरा भीतर पूरा मसाला बाहर हो जाएगा ना इसलिए और थोड़ी सी मैं आलू ली हूँ चार पाँच ठो उनको अच्छे से धो के कट करके धो के और जैसे हम थोड़ा हल्का मोटा मोटा हल्की मोटी मोटी आलू गोल गोल ही काट के और जो मसाला बचा हुआ है उसमें मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसको फिर बैंगन के ऊपर डाल दूंगी और थोड़ी देर तक हमको इसको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है नहीं तो बैंगन जो है वो पूरे मसाला इधर उधर हो जाएगा थोड़ी देर तक इसको ऐसे छोड़ देंगे मुश्किल से पाँच मिनट तक और उसके बाद फिर हमको और जो फ्लेम है वो मीडियम रहेगी बहुत स्लो भी नहीं रहेगी बहुत हाई भी नहीं रहेगी उसके बाद फिर हम इसको ढक ढक के पकाते जाएंगे जाएँगे ये देखिए कलर इसका धीरे धीरे चेंज होता जाएगा ये देखिए बस ढक 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 के मतलब दो दो तीन तीन मिनट में थोड़ा टाइम इसमें लगता है क्योंकि और बैगन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और आलू भी चूँकि मोटी मोटी आलू है ना तो अच्छे से वो पक जाए तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते जाएंगे और इस तरह से हमारी सब्ज़ी तैयार होगी ढक ढक के पकाना ये देखिए अब बिल्कुल ना पूरी तरह से ये देखिए हमारी बैगन की सब्ज़ी तैयार है और देखिए बताइए देख के कि कैसी बनी है मैंने प्लेट मैं प्लेट में निकाली थी बट आप लोग को दिखा नहीं पाई हूँ और ये नेक्स्ट डे की है क्योंकि उसके बाद मैं बैगन की सब्जी बनाई और उसके बाद फिर खाना आना हम लोग लंच वगैरह करने के बाद फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई तो दूसरे दिन है मैं नहा धो के पूरा काम करके फिर पूजा करने के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए कल का वीडियो है वो भी कंटिन्यू हो रहा है तो उसको मैं एंड कर देती हूँ तो वही भगवान के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए है ना और अब मैं इस वीडियो का एंड करूँगी हेलो एवरीवन तो ये दूसरे दिन का है और मैं पूजा करने आ गई हूँ तो मैंने सोचा कि चलिए पूजा करने के पहले ये वीडियो का एंड कर लूँ क्योंकि ये कल से चल रही है कल से कंटिन्यू हो रही है तो आप लोगों ने देखा आज का वीडियो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा शेयर करिए अपने फैमिली में फ्रेंड्स में और जो लोग भी मेरे चैनल पर आज नए आए हैं या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे ठीक है तो फिर इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में बाय तब तक के लिए बाय